एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे एंड आप सभी को हैप्पी सोमवार एंड सावन के सोमवार की, पहले सोमवार की आप सभी को खूब बधाई होंगी, और खूब मुबारकबाद हो आप लोगों के लिए। ये दिन बहुत खुशियाँ ला के दे, भोलेनाथ जी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ वीडियो के लिए, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है, कोई बात नहीं। अब तो सावन है, कोई हर दिन भोलेनाथ जी का है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली मैंने संडे में, हमारे में मंदिर क्लीन नहीं करते हैं, मैंने संडे में क्लीन नहीं किया था। फिर मुझे सुबह उठी, मैंने कहा सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ा कि जिससे मुझे काम सारे निपटाने थे। तो इस टाइम पे मेरा झाड़ू पोछा सब हो चुका है, मैं नहा चुकी हूँ, तो आपको दिख ही रहा होगा। इवन मैंने कपड़े भी धो दिए हैं और सब्जी भी बनाने रख दी है, जो इनके लिए मतलब आलू के पराठे बोले थे, आलू उबल चुके हैं, आटा भी लग चुका है। तो मैं यहाँ पे मंदिर क्लीन करने आ गई हूँ और अभी ये नहाने भी गए नहीं है, अभी हाँ नहाने गए नहीं है, अभी मतलब फ्रेशन अप हो रहे हैं इतने। मैंने कहा चलो मैं मंदिर वगैरह साफ़ कर देती हूँ, जो बाती कर देती हूँ, क्योंकि व्रत मैंने रखा है, उन्होंने नहीं। तो यहाँ पे बस मैं जोत पाती, जो आसन मैंने बिछाया है, ये मेरे पास घर में कपड़ा था तो मैंने वो ही मैं बिछाती हूँ हमेशा मंदिर में, क्योंकि मंदिर में थोड़ा सा चमकदार कपड़ा बिछता है ना, तो मंदिर का लुक ही चेंज हो जाता है। तो ये मेरे से यहाँ पे मैं अपनी पूजा ख़त्म करूँगी और फिर, क्योंकि बेटे को भी मैंने नहला दिया है और वो भी अपने तैयार हैं, अब हम सब जाएंगे मंदिर। और अब मैं आपको पास से लुक दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मतलब। और यहाँ हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए, तो लॉक वगैरह लगा दिया है, ये थोड़ा सा ही दूर है हमारे घर में मंदिर, मतलब घर से बाहर। तो यहाँ पर मैं चंदन घिस रही हूँ, पहले ये पानी वगैरह लेकर आए हैं बाल्टी में, तो अब हम पूजा करेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने कहा अपने बेटे से कि थोड़ा सा शूट कर ले, उसने कहा मम्मी आप रहने दो, मंदिर में सिर्फ पूजा करने आते हैं, शूट करने नहीं। मतलब मुझे इतना अजीब लगा, मुझे मतलब मुझे खुद को अपने ऊपर शर्म सी आने की कि बच्चा समझता है और हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने शूट नहीं किया और अपने बेटे की बात मानी। तो अभी मैं आपको काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ सुबह से, थोड़ा सा काम कर रही थी, अभी ये देखी डायरी वगैरह रखी है, कुछ लिखा पढ़ी कर रही थी, तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो पता नहीं फिर मैं अभी कब कर पाऊंगी, घर का काम तो हो चुका है, बाहर मौसम थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, मुझे चेंज करना है। एक्चुअली मैंने जो कल वीडियो बनाई थी, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई है, और कुछ मेरे प्यारे प्यारे जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते थे, उन लोगों को भी पसंद नहीं आई। बट मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि मैं कभी भी बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहती, मुझे कुछ मैं किसी से बिना बात के कोई भी बात नहीं रखती हूँ। एक मिनट है, रख दूँ मैं फोन। तो कोई कुछ भी मैंने ना बिना बात के नहीं कोई बात कही है, मेरे को कुछ मैं पता है या मैंने उनसे बातचीत की है तभी मैंने आप लोगों से शेयर किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ उनको। और मैंने जिस भी यूट्यूबर के बारे में बात की है, मैं ऐसे ही नहीं कि बस मैंने उनकी वीडियो देखी और जस्ट मैंने उनसे मैसेज पे बात की है और उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया और मैं उनके बारे में उल्टा सीधा बोल दूंगी, ऐसा नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो जो, और अगर मैंने उस पर बात भी की है ना, तो जस्ट मैंने उनके नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए नहीं की है, बट मेरे दिल में जो था मैंने वो बस आप लोगों से शेयर किया है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बुरा मत मानिएगा कोई भी, और अगर आप लोगों को बुरा भी लगा है तो आई एम सो सॉरी, बट मैंने कोई भी ऐसी बात, बस मेरे को मन में ऐसा लग रहा था यार कि आप लोग स्ट्रगल करते हो, आपको पता है स्ट्रगल की अहमियत और आपको पता है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितना ये टाइम लगा है। तो मेरा कहने का सिर्फ सीधा सीधा सा ये मोटिव था कि अगर आपको कोई बोल रहा है, अगर आपसे कोई कह रहा है कि प्लीज आप किसी की मदद कर दीजिए या किसी की वीडियोस देखिए, उनको इतना टाइम हो गया है, थोड़ा सा पुश की जरूरत है, तो अगर किसी को जनरली मदद की जरूरत है तो आप लोग उसकी मदद कर दीजिए। और वहां से अगर रिप्लाई आए कि नो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तो वो चीज के ऊपर मैंने ये बात की है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही बस मुंह उठाया और मैंने बोल दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो मेल करो तो मेल का जवाब नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, मैं मानती हूँ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैं ही नहीं, शायद बहुत सारे लोग
भी उनसे बातचीत करना चाहते हूँ, और मैं अपने लिए ही स्पेशली नहीं कह रही, मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल है वो भी मुझे बताते हैं कि वो कितनों को मेल करते हैं। मैं तो सच कहूँ, मैं तो बहुत ही कम लोगों को मेल करती हूँ, बहुत ही कम लोगों को मैंने तो सच में कहूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार इतने मतलब मान लो जैसे मुझे जरूरत है तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें जरूरत होगी वो भी मेल करते होंगे, कहाँ कोई हमारा मेल का मतलब आंसर देता होगा, इसलिए मैं तो नहीं करती। बट मैंने कोई भी चीज ऐसे ही फेक तरीके से नहीं बोली है, मतलब मैं सच कह रही हूँ, आज सोमवार है, मैं ऐसा झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस मेरे दिमाग में आया, मैं बहुत लोगों की वीडियोस देखती हूँ, बहुत लोगों की देखती हूँ, बहुतों की तो इतनी मैं ताबड़तोड़ मेहनत देखती हूँ, मैंने कहा यार कितनी मेहनत कर रही है। आपने अभी देखा होगा एक यूट्यूबर है जो पेंटिंग करती हैं, वो जिस भी यूट्यूबर की पेंटिंग बनाती है वो वीडियो उनकी मतलब अच्छी खासी चलती है, बट जो वो जेन्युइन पेंटिंग बनाती है, जस्ट किसी भगवान की बना दी या फिर किसी घर वालों की बना दी, तो वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो अब आप यही तो देखिए ना, मैं इस चीज को कह रही हूँ, पर ये बहुत अच्छी बात है, चाहे वो किसी भी एक तरीका है उनका, चाहे वो किसी भी तरीके से दूसरों की पेंटिंग बना के, दूसरे यूट्यूबर की पेंटिंग बना के उनको दे रही है, तो उस वजह से उनका चैनल भी प्रमोट हो रहा है। पर प्रमोट होने का फायदा क्या है, क्योंकि उनकी और जो दूसरी पेंटिंग्स बन रही है उनको कोई नहीं देख रहा है, तो वो मेहनत है ना। आप खुद देखिए, कोई सैंड आर्ट करता है वो मेहनत है, कोई बेस्ट कुकिंग करता है वो मेहनत है, कोई ब्लॉगिंग करता है वो भी मेहनत है, सब अपने फील्ड में मेहनत करते हैं, बेस्ट देते हैं। बट मेरा ये कोई भी मकसद नहीं था किसी को भी हर्ट करने का, तो अगर कोई भी हर्ट हुआ है तो मुझे माफी मांगने में कोई गर्ज नहीं है, तो मैं आप लोगों से बस सॉरी बोलती हूँ। बट मेरी ये दिल की अंदर से ख्वाहिश है थोड़ा सा कि अगर मैं ये जानती हूँ कि अगर शायद मेरे को जो जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, चाहे मेरे को जो एडसन से रिलेटेड कोई कठिनाई हुई तो मैंने दूसरे की हेल्प करी आगे से, किसी को चैनल से रिलेटेड कोई कठिनाई तो अगर किसी ने मुझसे बोला है कि मेरा साथ ये प्रॉब्लम हो रही तो मैंने उसकी हेल्प की है, कि नहीं मैं उसको ये नहीं कह दूंगी नहीं भैया मेरे बस की तो नहीं है, अपने आप कर लो, तो ये चीज नहीं होती ना, क्योंकि मुझे पता है भाई मैंने भी फर्स्ट टाइम जब वो क्रिएट किया था मुझे भी कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। सो अगर कोई मेरे से पर्सनली बोल रहा है, मेरे से पर्सनली ये चीज पूछ रहा है, तो मैं उसको ये तो नहीं कह सकती ना कि मैं तो किसी की मदद नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अपने घर वालों की करूँगी, ऐसा नहीं होता। अगर उस बंदे को मदद चाहिए तो मैं बताती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों से बातचीत करती हूँ, बहुत लोगों के चैनल को वेरीफाई करवाया है मैंने, मतलब वो इतनी 50-50 वीडियोज बना चुके हैं, 100-100 वीडियोज बना चुके हैं, उनके चैनल वेरीफाई ही नहीं है। जब उन्होंने मुझसे बातचीत की तब मैंने उनसे बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि उनके साथ ये चीज है, तब मैंने उनके चैनल वेरीफाई कराए हैं। बहुत से लोगों को थंबनेल नहीं लगाना आता था, क्योंकि जब तक चैनल वेरीफाई नहीं होता तो थंबनेल का ऑप्शन नहीं आता, उनके वो मैंने क्रिएट करवाए हैं, बहुतों को चैनल क्रिएट करवाया है, बहुत चीजें मतलब जहां तक मेरे साथ तो हुआ है वो चीजें मैंने उनको कर रही हूँ। अभी जाती बेटा दुकान बंद है, फोन करना पड़ेगा, तो वो चीजें मैंने करी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको बीच मझार में छोड़ दूं कि नहीं मेरे बस की तो नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है मेरे को भी कोई समझाने वाला नहीं था, और मैंने अपने आप ही वो सारी चीजें वीडियोस देख देख के मैंने क्रिएट की थी, तो इसीलिए मैं जानती हूँ उसकी भी अहमियत। तो ये चीज थी मेरी कि मतलब अगर आप लोगों को कुछ आता है, मैं ये नहीं कह रही कि उठाया चैनल और प्रमोट कर दो, बट थोड़ी बहुत मदद अगर आप कर देते हैं तो बुरा नहीं लगता किसी को भी, और मैं नहीं सोचती कि इसमें कोई बुरी बात है, मुझे नहीं लगता। हाँ मैं ये नहीं कहती कि कोई अभी 2 महीने या 6 महीने उसने काम किया है उसका चैनल नहीं चल रहा है तो आप उठा के मोनेटाइज करा दो या फिर आप उठा के उनका प्रमोट करा दो, वो चीज़ थोड़ी सी गलत है। अगर जो बंदे ने जी तोड़ मेहनत करी है, साल 1.5 साल 2 साल, पता है आपको एक है मैं नाम भूल गई हूँ, मैं उनको काफी टाइम से जानती हूँ, जब से मैंने चैनल स्टार्ट हुआ उन्हें कम से कम 2.5 साल हो गए, 2.5 साल या 2 साल हो चुके हैं उनके, अभी भी चैनल पे 42-43 सिर्फ व्यूज आते हैं। मैंने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम है, बहुतों को बताया हैशटैग कैसे लगाते हैं, टैग कैसे लगाते हैं, बहुत चीजें समझाई, बस इस चीज के पर किसी को गलत बोलने का मेरा कोई हक नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं जो किसी को बुरा लगे, सो अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, और मुझे किसी को गिरा के या किसी से जेलस फील नहीं करती, मैं बिल्कुल नहीं करती। मेरे से मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे आसपास में भी बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, मैं उन सब चीजों से जेलस फील नहीं करती, तो एक यूट्यूब पे कैसे करूंगी यार।
आप खुद देख रहे होंगे, मैं यहाँ रेंट पे रहती हूँ, आपको खुद को पता है, आसपास लोग इतने सारे बढ़िया बढ़िया लोग रहते हैं। मैं जेलस करती ना तो शायद पता नहीं क्या होता, मैं जेलस नहीं करती, मैं उन चीजों से सीखती हूँ बस। तो चलो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आगे बात करेंगे। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बिना मत जाना।